अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम मीमन है और अक्सर बचपन से मैंने एक लाइन हमेशा लोगों को सुना है, वो ये है ले लिया होता तो अच्छा होता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने फ्रॉम मुमरद शिलफाड़ा के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके लाई है और स्पेशलिटी हमारी ये है कि हम सहूलत पर घर देने के लिए कोशिश करते हैं लोगों को। हमारी प्रॉपर्टी जो है वो रेडी टू मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अगर किसी को 3 साल में पोजीशन चाहिए वो भी अवेलेबल है, 1 साल में चाहिए वो भी अवेलेबल है, रेडी टू मूव चाहिए वो भी अवेलेबल है, बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पिकअप एंड ड्रॉप सबसे बेस्ट पार्ट पिकअप एंड ड्रॉप भी अवेलेबल जो शायद ही देता है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, नंबर बिजी आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान हुए तनाव टकराव पर क्या बोले थाने के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कैसे रहा जुलूस है ईद मिलादुल नबी, देखिए। नरवी कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 17 सितंबर की रात को भिवंडी बंजारपट्टी नाका हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने पत्थर फेंकने का गणेश विसर्जन जुलूस पर जो है आरोप लगा और इस चर्चा के बाद यहां पर हिंदू मुस्लिम का टकराव होने का अंदेशा पैदा हो गया। पुलिस ने वक्त रहते सही कदम उठाया और स्थिति को संभाला। उसके बाद इन पूरे हालात पर थाने पुलिस आयुक्तालय के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं ज्ञानेश्वर चौहान ने इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए क्या जानकारी दी। साथ ही आज 18 सितंबर को जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया उसके बंदोबस्त को लेकर क्या जानकारी दी वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए भिवंडी में ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान जो है 18 सितंबर को दिन में उसी बंजारपट्टी नाका वो पुल जो है ब्रिज जो गुजरता है वहां से उसका पूरा तमाम इलाका क्या माहौल था और फिर कैसे निकला है यहाँ पर ईद मिलादुन नबी जुलूस, देखिए। गणपति विसर्जन के दरमियान कुछ पत्थरबाजी की घटना घटी जिसके बाद पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। भिवंडी शहर की जो पारंपरिक जो प्रोसेशन होती है विसर्जन की वो हिंदुस्तान मस्जिद के यहाँ से पीसफुल एटमॉस्फेयर में शुरुआत हुई थी और लगातार अच्छे ढंग से ये प्रोसेशन शुरू था। 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा ऐसे एक चर्चा शुरू हुई और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई। उसके बाद मंडल के पदाधिकारी जो वहाँ बंजारपट्टी नाका है वहाँ रुके हुए थे और वहाँ भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से और इसलिए वहाँ जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो टेंशन वहाँ का डिफ्यूज़ करने के लिए वो भीड़ को वहाँ से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। जो इसमें जिन्होंने मिस्चुअस एक्टिविटी की है उन पर गुनह दर्ज किए जा रहे हैं और कानूनन कार्रवाई भी कड़ी की जाएगी। एडिशनल बंदोबस्त भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं और मेरी सभी भिवंडी और ठाणे शहर और यहाँ के जो भी सभी सिटीजन्स है उनको यही दरखास्त है कि यहाँ का जो माहौल है जो पीसफुल माहौल था इतने सालों से वो बरकरार रखे और कोई किसी अफवाह पर विश्वास ना रखे और किसी भी अगर कोई जानकारी है तो अपना जो नज़दीक वाला पुलिस स्टेशन है उनसे शेयर करें और कोई गलत मैसेज भी ना सर्कुलेट करें। सर कितने लोगों को अरेस्ट किया? इसमें हमने कुछ लोगों को जो स्पॉट से हमारे गिरफ्त में लिया है और उसके बारे में जांच करके अगली कार्रवाई की जाएगी। सर गणपति उत्सव के दरमियान 3 जगह पर ऐसे हादसे हो चुके हैं तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? नहीं, हमको जो कंट्रोल को और जो लोकल पुलिस को जो भी खबर मिली थी उस पर हमने तुरंत कार्रवाई भी की, उसकी जांच भी की और कुछ नोटोरियस लोग जो प्रोसेशन में थे उनको भी हमने हिरासत में लिया है। अभी तक सामने आए नहीं है लेकिन हमारे कुछ पुलिसकर्मी को भी इसमें चोट पहुंची है। तो सर कल जुलूस के लिए कैसे होगा? सर कल जुलूस के लिए किस तरह से बंदोबस्त रहेगा और कैसे होगा? जुलूस के लिए हम जो हर साल जो बंदोबस्त लगाते हैं उससे और कड़ा बंदोबस्त रहेगा। एडिशनल मैनपावर भी हम लगा रहे हैं, SRP लोकल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर, क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स और सभी यहाँ बड़ी तादाद में रहेंगे और हमारा यही हमने सभी को आपके जरिए भी हमने ये कर रहे कि ये पीसफुल माहौल में ये जुलूस निकाला जाए और किसी भी गलत फहमी हमें ना आए, कोई भी अफवाह पर कोई विश्वास ना रखे और यहाँ की जो पीस और शांतता है वो बरकरार रखे। थैंक यू। Yeah.
बैनर गिर गया। अच्छा हुआ। लगाएंगे सरकार की मत टेंशन मत ले। Thank you.